नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है। पेश न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा के सवे जन्मदिन पर शनिवार सुबह उनसे गांधीनगर स्थित आवास पर मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। मोदी करीब 6:30 बजे गांधीनगर शहर के बाहर स्थित रायसेन गांव पहुंचे, जहां उनकी मां उनके छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं। मोदी ने अपनी मां के सवे जन्मदिन के अवसर पर उन्हें समर्पित एक ब्लॉग लिखा। इस ब्लॉग में उन्होंने अपनी मां के बलिदानों और जीवन के ऐसे पहलुओं का जिक्र किया जिन्होंने उनके आत्मविश्वास, मन एवं व्यक्तित्व को आकार दिया। उन्होंने लिखा कि माँ यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह जीवन की वह भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के ऊपर बनी दरगाह को उसकी देखरेख करने वालों की सहमति से हस्तांतरित किए जाने के बाद शनिवार को मंदिर के शिखर पर पताका फहराई। मोदी ने कहा कि महाकाली मंदिर में फहराई गई पताका न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाती है कि सदियां बीत जाने के बावजूद हमारी आस्था मजबूत है। एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी प्रगति जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दे दी। रक्षा सेवाओं के लिए मंगलवार को घोषित अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। राजनाथ सिंह ने योजना का बचाव करते हुए कहा कि इसे पूर्व सैनिकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के 10% रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया है। गृह मंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा ऊपरी उम्र सीमा में भी 3 साल की छूट देने की घोषणा की गई है। बिहार के साथ साथ देश में कई और हिस्सों में आज भी अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जहानाबाद जिले में टोयोटा पुलिस चौकी परिसर के अंदर खड़े एक ट्रक और एक बस समेत कई वाहनों में आग लगा दी। वामपंथी अखिल भारतीय छात्र संघ के नेतृत्व में छात्र संगठनों द्वारा आहूत राज्यव्यापी बंद के मद्देनजर गया, बक्सर, जहानाबाद सहित राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में शनिवार को सड़क परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई। आपात सेवाओं को छोड़कर अधिकांश दुकानें व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। कर्नाटक के धारवाड़ में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हिंसा प्रभावित सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेन सेवाएं बहाल की गई हैं। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पूर्वाग्रही मानसिकता वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी राजनीतिक एलर्जी की सनक को देश के युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा को एक साजिश में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य के सही रास्ते में किसी भी विनाशकारी बाधा को नहीं आने देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को शनिवार को दिशाहीन बताया और कहा कि उनकी पार्टी इसे वापस करवाने के लिए संघर्ष का वादा करती है। उन्होंने इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं से भी शांति की अपील की है और कहा है कि वे अहिंसक ढंग से आंदोलन कर सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह विवादित कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, ठीक उसी तरीके से अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना को भी वापस लेकर युवाओं की मांग को स्वीकार करनी होगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को एक गुरुद्वारे में कई विस्फोट हुए जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 7 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने विस्फोटक भरे एक वाहन को सिखों के पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोककर एक बड़ी घटना को टाल दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को श्रीलंका के हालात पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि इस मुश्किल समय में पड़ोसी देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता को लेकर सभी ने एकजुटता से समर्थन दिया है। उन्होंने विदेश मामलों की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने वाले सांसदों के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की अगुवाई में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल और टीआरएस को छोड़कर तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।